मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जमकर राजनीति की जा रही है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने इस घटना को बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान बताया है। आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मध्य प्रदेश को देश भर में कलंकित किया है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात हैं। और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2-3-4-5-6 महीने में कहीं घसीट घसीट के गाड़ी से बांध बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना, मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ, ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था, ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा, आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा, ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। हम ये मामला उठाएंगे, उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है, ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। मुख्यमंत्री ने फोन में बातचीत की, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझे कोई लालच, सरकार भी तो वहाँ जा सकती है, और प्रलोभन दे रहे हैं, ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए। ये बात साफ हो गई है कि आरोपी कौन है और ये कहां, जहां जहां ये घटना हुई है आरोपी कौन है, इसमें कोई हमें देखने की आवश्यकता है। सरकार पार्टी ने कुछ अलग से, इन्होंने यही समिति बनाएगी, यही कैमरा की नौटंकी करेगी और ये इनको तब क्लीन चिट दे देंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे इस मंत्री पर, आप ये हमारी पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। शिवराज पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा, सीधी जिले में जो घटना हुई है उसने मध्य प्रदेश को पूरे देश में कलंकित किया है। यह घटना बताती है आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी क्या हालत है। शिवराज सरकार के 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि इस घटना ने मानवता को कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है, ऐसे अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है, ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है, अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है, ना ही कोई पार्टी होती है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। सीधी जिले में जो घटना हुई है उसने मध्य प्रदेश को पूरे देश में कलंकित किया है। यह घटना बताती है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है उनकी क्या हालत है। शिवराज सरकार के 18 साल बाद यह कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है,
ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, कमलनाथ ने कहा।